आज की हमारी कहानी है टिप टिपुआ। भुवन को रोज अपनी दादी से कहानी सुनने का बड़ा शौक था। वह रोज अपनी दादी से कहानी सुना करता था, लेकिन आज की बात कुछ अलग थी। उस गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी, इतनी तेज बारिश कि उस बारिश से गांव के सभी लोग परेशान हो गए थे। और फिर दादी क्यों ना हो, दादी भी बारिश से परेशान थी। पर भुवन बार बार दादी को कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। दादी तो बारिश से परेशान थी और दादी की झोपड़ी में जो छेद था उससे बारिश का पानी टिप 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 गिर रहा था, जिससे दादी पूरी खींच गई। भुवन के लगातार कहने पर भी जब भुवन नहीं माना तो दादी ने कहा कि ये टिपटिपुआ वो तो बहुत खतरनाक है, ना बाघ से मुझे डर लगता है और ना शेर से, डर तो है बस इस टिपटिपुआ से। दादी की झोपड़ी के पीछे एक शेर बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। वह भी बारिश के कारण बहुत परेशान था। उसने कहा कि ये टिपटिपुआ कौन है, क्या ये मुझसे भी बड़ा जानवर है क्या कोई? उसी गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। उसका गधा सुबह से ही नहीं मिल रहा था, वो बहुत परेशान था। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं गांव के पंडित जी के पास चले जाते हो और जाकर उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेते कि आखिरकार हमारा गधा कहाँ खो गया? जरूर तुम्हें पंडित जी सही सही बात बता देंगे। भोला को यह बात बहुत पसंद आई और वह धीरे धीरे पंडित जी के घर जा पहुंचा। पंडित जी बेचारे बारिश की पानी को उलसते उलसते परेशान। तभी भोला ने कहा, महाराज पता नहीं मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, क्या आप मुझे पोथी देखकर बताएंगे कि मेरा गधा कहाँ खो गया है? यह बात सुनकर पंडित जी को तो जो गुस्सा आया, उसने कहा, मूर्ख क्या पोथी में ये सब लिखा होता है? जाकर कहीं गड्ढे या तालाब में जाकर ढूंढ, तेरा गधा कहाँ गया? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या पूछने चले आते हैं। भोला बहुत उदास हुआ। पंडित जी की बात सुनकर वह खोजने को निकल पड़ा और धीरे धीरे वह एक तालाब के किनारे जाकर पहुंचा। तालाब के किनारे बड़ी बड़े घास के पेड़ उगे हुए थे। तभी उसने खड़खड़ की आवाज सुनी और अपना मोटा लाठी बरसाना शुरू किया और गुस्से से बोला, तूने आज मुझे बहुत परेशान किया। उसने अंधेरे में तो देखा नहीं था कि वो गधा है या बाघ है। और फिर उसको पकड़ते हुए वह चिल्लाता हुआ, गुस्सा करता हुआ उस पर, चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ, और अपने घर लेकर चला आया। इस तरह उसने उसे खूंटी में बांध दिया। सुबह जब लोगों ने भोला के घर में बाघ को बधा देखा तो वो सारे के सारे लोग घोर आश्चर्य में पड़ गए और हक्का बक्का हो गए कि ये भोला अपने घर में बाघ को बांध रखा है। तो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी टिपटिपुआ से डरे बाघ की कहानी। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी मेरी जुबानी? कहानी के अगले अंक में फिर सुनेंगे हम एक नई कहानी।